हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं BTUP की तरफ से जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं कि सर, हमारा आज का जो डेट था रीचेक और स्क्रूटनी का जो रिजल्ट आना था, ये क्या हुआ सर? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर, हमारा ये जो है रीचेक और स्क्रूटनी का रिजल्ट आउट नहीं हुआ है अभी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनका रिजल्ट क्या हो रहा है, ओपन भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अभी डिस्कस करेंगे दोस्तों। और आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए, भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन को ही प्रेस कर लेंगे। ठीक है, आप लोगों को BTUP से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स रहेंगे, हर एक अपडेट्स को मैं बताता रहूँगा दोस्तों। आप लोगों करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है, आज हमारा दूसरा अपडेट है दोस्तों। आज देखिएगा हमारा रीचेक का जो है, अभी जावेद मुस्तफ़ा सर के द्वारा जो है ट्वीट किया गया है, वो बता रहे हैं, उनके माध्यम से जो भी चीज़ें हैं उनको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलेगा दोस्तों, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो टॉपिक रहेगा, इसमें हम बात करने वाले हैं क्या हमारा रीचेक और स्क्रूटनी का रिजल्ट आया या नहीं आया, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे सर कि जो जावेद मुस्तफ़ा सर हैं, तो इन्होंने क्या किया है, ट्वीट कर दिया है। इन्होंने बताया है कि जैसा कि जानकारी इन्हीं के माध्यम से पता चला था भाई, कि जो रीचेक यानी पुनर्मूल्यांकन और स्क्रूटनी का जो रिजल्ट आना था, वो हमारा 12 जून को आना था। ठीक है सर, इसका क्या हुआ? आज 12 जून है सर, और 12 जून पे हम ये पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे बताइए कि आप बताइए कि हमारा स्क्रूटनी और जो है रीचेक का रिजल्ट क्यों नहीं आया। तो दो मेरे भाई, यहाँ पे इन्होंने बताया, देखिएगा बेसिकली मैं BTUP के बोर्ड में होता तो हर एक चीज़ को पहले से ही हर एक चीज़ को मैं फाइनल करके रखता कि यहाँ पे आज ये होगा, आज वो होगा, आज ये हुआ। लेकिन ये लोग पता नहीं कैसे हैं भाई, ये लोगों का मतलब कंप्लीट रिजल्ट ही नहीं जारी कर पा रहे हैं। तो इन्होंने जावेद मुस्तफ़ा सर हैं भाई, सहयोग कर रहे हैं थोड़ा बहुत, तो इनको ध्यान से समझिएगा क्या कह रहे हैं। बहुत जिनकी जितनी जानकारियां होती हैं मैक्सिमम 100% सही ही होती है। तो देखिए इन्होंने क्या बताया दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर बता रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को या हम लोग बता रहे हैं कि जैसा कि जानकारी दी थी मैंने कि 12 जून को पुनर्मूल्यांकन और स्क्रूटनी का रिजल्ट आएगा। आज 12 है और रिजल्ट अभी जारी हो गया है। ठीक है, यानी रिजल्ट आप लोगों का जारी हो गया है। आप लोग अपना ट्राई करते रहेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं भाई ट्राई करते रहिए, आप लोगों का रिजल्ट जो है 100% आप लोगों का आ जाएगा। ठीक है, और रिजल्ट आप लोगों का अच्छा आएगा दोस्तों, इसकी भी गारंटी मैं देता हूँ। आप लोगों का जो रिजल्ट है, आप लोगों ने अगर रीचेक या स्क्रूटनी का रिजल्ट, रीचेक वालों के लिए तो मैं बोल सकता हूँ, जो जिनका बैक लगा होगा, ठीक है, बैक वाले जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनका जो है क्लियर हो जाएगा, इस बात की गारंटी ले लीजिए। ठीक है, बैक वाले जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनका क्लियर हो जाएगा, ऑल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट्स ये चाहते होंगे कि जिनका स्क्रूटनी के लिए, स्क्रूटनी के माध्यम से, अगर आप लोगों ने स्क्रूटनी में होता क्या है दोस्तों, किसमें क्या किया जाता है कि आप लोगों का जो कॉपी चेक होती है, ठीक है, कॉपी चेक होती है, मान लीजिए कि यहाँ पे हमने 5 नंबर दिया, अगले वाले पेज पे हमने 4 नंबर दिया, अब हम इसको जोड़ रहे हैं तो हम इसको 6 नंबर ही जोड़ दिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कीजिए, फिर से इसको जोड़ा जाएगा, 5 और 4 9 हो गया, तो यहाँ पे 9 नंबर फिर से दिया जाएगा। ठीक है, तो यही आप लोगों को यहाँ पे मिस्टेक होता है स्क्रूटनी में, उसको यहाँ पे इस चीज़ को करेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन रीचेक में क्या किया जाता है, पूरी कॉपी को फिर से चेक किया जाता है, यहाँ 5 नंबर मिला था, यहाँ पे 9 नंबर दे दिएगा, यहाँ पे 4 नंबर मिला था, यहाँ पे हम 6 नंबर दे दिए, तो यहाँ पे 15 नंबर कंप्लीट मिल चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कॉपियाँ हमारी चेक होती हैं। आगे की मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे अपना क्लास को इनरोल नहीं किए हैं भाई, जल्दी से जाकर सभी स्टूडेंट्स क्लास को इनरोल कर लेंगे मेरे भाई। यहाँ पे मैं बात करूँगा इलेक्ट्रिकल 6 सेमेस्टर के लिए जो कोर्स रहेगा दोस्तों, केवल और केवल 199 रुपये में कंप्लीट कोर्स देखने को मिल जाएगा, कंप्लीट कोर्स हमारा हो भी चुका है। ठीक है, वहीं जब मैं बात करूँगा इलेक्ट्रिकल 2nd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, तो इलेक्ट्रिकल 2nd सेमेस्टर में कंप्लीट कोर्स जो होगा दोस्तों, केवल और केवल 99 रुपये में कंप्लीट कोर्स आप लोग ज्वाइन कर पाओगे। इलेक्ट्रिकल 2nd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए खास रहेगा दोस्तों, यहाँ पे हम आप लोग कंप्लीट चीज़ें आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगा, एनालॉग और फिजिक्स आप लोगों को चल रहा है। ठीक है, वहीं मैं बात करूँगा 4th सेमेस्टर में, 4th सेमेस्टर की क्लासेस अभी चल रही हैं, ये भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। 4th सेमेस्टर की कोर्स की कंप्लीट कोर्स की बात करूँगा दोस्तों, केवल केवल 99 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी 199 में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे पॉलीटेक्निक 2nd सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे कोई भी ब्रांच के हैं भाई, तो यहाँ पे जो रहेगा, यहाँ पे कंप्लीट कोर्स रहेगी दोस्तों, केवल और केवल 50 रुपये में आप कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कर पाओगे। और इलेक्ट्रिकल 6 सेमेस्टर का एक सेपरेट मांग थी दोस्तों कि सर हमें EEE 2nd का एक कोर्स बता दीजिए, जिसमें हम आप लोग केवल और केवल EEE 2nd को ही पढ़ पाएँ। और यहाँ पे EEE 2nd जो रहेगा दोस्तों, केवल और केवल 99 रुपये में कंप्लीट कोर्स देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए भाई, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, और जो भी चीज़ें मैंने बताया आप लोगों के लिए 100% सारी चीज़ें एक्यूरेट हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी आप लोगों का रिजल्ट जो होगा जारी हो जाएगा दोस्तों। और एक चीज़ मैं जो बताया हूँ यहाँ पे, जिनका भी बैक लगा होगा उनका क्लियर हो जाएगा, और जिनका भी जो भी स्टूडेंट्स रीचेक सॉरी स्क्रूटनी वाले होंगे उनका जो फंडा होता है, इनको भी मैंने बता रखा है। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आप लोग जानकारी जो होगी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप लोगों के लिए मस्ट रहेगा, चाहे हमारे पॉलीटेक्निक 1st सेमेस्टर हो, चाहे कोई भी सेमेस्टर के हो, आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन।
करके रखिए, ठीक है। चलेगा दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखेंगे और मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। कोई और अपडेट आती है वीडियो की तरफ से, फिर से आप लोगों से वीडियो लेके मिल जाएंगे, ठीक है। चलेगा दोस्तों, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।